नमस्कार दोस्तों, गृह संगनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। आज मैं बहुत दिनों के बाद, दो दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूं क्योंकि कुछ काम था जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अभी मैं बर्तन माँज रही हूं, मैंने दोपहर का बर्तन नहीं धोया था, मैं खाना खाकर सो गई थी, तो सो के उठने के बाद मैंने यह बर्तन साफ़ किया है। और बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे चाय बनानी है, शिवाई के लिए नाश्ता बनाना है और खाने की भी तैयारी करनी है, रात के डिनर की भी तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मेरे को बर्तन साफ़ करना में बहुत परेशानी होती है क्योंकि मुझे आर्थराइटिक्स है जिसके चलते मुझे बर्तन धोने में बहुत दर्द होता है मेरी उंगलियों में। खैर, बर्तन साफ़ हो गया और अब बारी है किचन के सफाई की, स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ मैं, उसके बाद से फिर मैं नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी शिवाई के लिए। तो ये किचन की भी सफाई हो गई है मेरी, और ये मैं ये कपड़ा रखती हूँ छोटा सा किचन के अंदर ही, इसी से मैं स्लैब को साफ़ करती हूँ। और ये एक साबुन मैं हाथ धोने के लिए रखती हूँ जिससे कि मैं हर बर्तन धोने के बाद, स्लैब साफ़ करने के बाद या कुछ भी खाना पकाने के बाद मैं हाथ को साफ़ कर सकूँ। और ये मैं आज पनीर की सब्ज़ी सोच रही हूँ बनाने के लिए क्योंकि कोई भी ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, तो ये मैंने थोड़ी सी दो कटोरी दूध ले ली है और थोड़ी सी दूध गिर गई, और इसमें मैंने विनेगर डाला, मैंने आपको दिखाया, मैंने हाफ ढक्कन विनेगर डाल दिया है और ये मेरा फट जाएगा पनीर। मैं पनीर घर पर ही बनाती हूँ, मैं परचेज नहीं करती हूँ। ये शिवाय के लिए मैंने नाश्ता बनाना है, तो शिवाय जब से कोरोना आया है तब से मैंने काफ़ी कोशिश की शिवाय को अंडा खिलाने की, पर शिवाय नहीं खाता था, पर मैंने थोड़े नए तरीके से कोशिश शुरू की है। ये ऑमलेट को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है और अब हम सॉस मिला देंगे उसमें, और उसके बाद से शिवाय शायद खा ले, ये मैंने नया एक्सपेरिमेंट सोचा है इसके लिए। तो ये मेरे नाश्ता बन गई और इधर मेरा पनीर भी रेडी हो गया है। तो ये मैंने नल से कपड़े को बांध दिया है, पुराने कपड़े को, और ये मैंने पलटी करके ये मेरा थोड़ा सा पनीर निकल गया। मेरे हस्बैंड के लिए हो जाएगा रात का डिनर, गर्म बहुत है इसलिए मैं दबा नहीं रही हूँ, तो इसे मैं बर्तन में रख कर दूसरे चीज़ों से दबा दूँगी। और ये शिवाय का नाश्ता है, खाने में बहुत ड्रामा करता है, मुझे बहुत मुश्किल होती है खिलाने में, लेकिन हाँ ठीक है, खा ले रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। अब बारी है लेमन टी की। जी हाँ, मैं ये सब करने के बाद रोज़ शाम को लेमन टी बनाती हूँ। कोरोना में लेमन टी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये रही मेरी अदरक जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी, और लेमन तो बहुत 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 ज़रूरी है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को लेमन टी में लेमन ज़्यादा पसंद है, और अगर लेमन टी में हमने थोड़ी थोड़ी नमक डाल ली है तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, टेस्टी हो जाती है। तो ये मैंने एक एक चुटकी डाल ली है नमक, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। चाय भी हो गई है मेरी, तो ये मैंने फटाफट छान लेना है चाय को, दो कप मेरी चाय रेडी है, तो मेरे हस्बैंड को मैं दे दूँगी, उनकी मीटिंग चल रही है तो मैं उनके जाके उनके कमरे में ही उन्हें दे दूँगी। कोविड के चलते हम पानी में तुलसी ड्रॉप डालकर ही पीते हैं, तो ये उनके पानी में मैंने दो बूंद तुलसी ड्रॉप डाल दिया है। अब मैं आपको रूम में ले चलती हूँ, ये शिवाय की टेबल है, शिवाय ने इसी टेबल से फर्स्ट टाइम अल्फ़ाबेट्स, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम याद किया था और नंबर्स। ये शिवाय की साइकिल जिसपे पांडा ज़्यादा रहता है और शिवाय कम रहता है, आप पांडा को कहीं भी रख दो वापस से पांडा यही आ जाएगा। ये शिवाय की स्लाइडर है जिसकी डिक्की में छोटे छोटे ढेर सारे कार मिल जाएंगे आपको। ये शिवाय की मैट, एंड ये शिवाय के लिए मैंने फ्लोर सिटिंग अरेंज किया है। आज हम बात करेंगे इसी फ्लोर सिटिंग के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो मैंने फ्लोर सिटिंग पे जो मैंने ये अरेंजमेंट किया है वो कैसे किया है। एक्चुअली ये जो गद्दा है ये मेरे हस्बैंड जब अकेले रहते थे तब उन्होंने इसे रखा था अपने साथ, लेकिन फिर उसके बाद से हमें लगा कि ये तो यूज़लेस हो गया, उन्होंने बोला। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इस कुशन को अरेंज किया। तो ये मेरा रेडीमेड कुशन नहीं है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसके लिए मैंने जो भी हमारे घर में जो पुराने कपड़े थे, इनके पुराने पैंट या मेरे पुराने कपड़े और जो भी कुछ पुराना था या पुराना बेडशीट भी जो था, यूज़लेस जो भी कपड़े थे, उसको हमने क्या किया कि मैंने छोटे छोटे कतरन बनाए, उसके जो इलास्टिक वाले पोर्शन थे, बेल्ट वाले पोर्शन थे एंड जिप जहाँ पे था, उन सबको मैंने काट काट के अलग किया और सारे छोटे छोटे कपड़ों को छोटे छोटे कतरन में मैंने बदल दिया। बैठकर एक दिन पूरा बैठकर मैंने सिर्फ कतरन बनाया, और उसके बाद से मैंने इतना कुछ जुगाड़ कर लिया, इतने सारे मैंने कतरन इकट्ठे किए, और उसके बाद से हमने
अच्छे कपड़े लिए और उसके बाद हमने टेलर से, तुम्हें पीनी है चाय क्या? ये फैन ऑफ कर रहा है, ऑन करो फैन, चलो भागो भागो जल्दी भागो। तो मैंने इसमें मैंने छोटे एक ऐसा लिया, इससे मैच करके मैंने डार्क ब्राउन करके लिया कि अच्छा लगेगा। एक्चुअली इसके ऊपर जो मैंने बेडशीट लिया था वो ब्राउन कलर का लिया था, लाइट ब्राउन कलर का, लेकिन वो बेडशीट अब जा चुकी है इस दुनिया से, विदा हो चुकी है, तो अब वो बेडशीट नहीं है, इसलिए बिल्कुल अनमैच किया हुआ बेडशीट बिछा हुआ है इसमें। तो इस मैंने एक डार्क ब्राउन कलर का कपड़ा लिया और छोटा बनाया मैंने, और एक ऐसे चेक्स में लिए मैंने। इस तरह से हमने इसमें कपड़े भरकर एक बड़ा कुशन बनाया, एक छोटा कुशन बनाया, और ये काफ़ी अच्छा है फ्लोर सीटिंग के लिए, ये बहुत ही बेहतर है। आप इसे लिविंग रूम में रख सकते हैं, नीचे बेडरूम में अगर आपके साइड में जगह है, प्लेस है, तो आप वहाँ रख सकते हैं। बच्चों के कमरे में भी आप इसे फ्लोर सीटिंग में ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे के गिरने का डर भी नहीं रहेगा और अच्छा भी रहेगा, देखने में भी अच्छा दिखेगा और बच्चे भी सेफ रहेंगे। तो फ्लोर सीटिंग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप अप्लाई करके अपने घर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कमरे को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और चीज़ों को भी यूज़ में ला सकती हैं। तो फ्लोर सीटिंग फैशन में भी है। ये शिवाय का रूम है इसलिए हमने ऐसा नहीं करा है, तो आप फ्लोर सीटिंग अगर कुछ करती हैं फ्लोर सीटिंग, तो साइड में लैंप लगा सकती हैं, फिर प्लांट रख सकते हैं। ऐसे आप फ्लोर सीटिंग को डिफरेंट डिफरेंट लुक देकर अपने कमरे को, अपने घर को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और वो भी बाहर से कुछ भी खर्च किए बगैर, बहुत ही घर की ही चीज़ों से आप अपने घर को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं। तो गृह संगिनी में यही है कि आप घर की चीज़ों को या कम बजट में, जितना हो सके कम बजट में, या घर की चीज़ों को कैसे रीयूज़ करके आप अपने घर को परफेक्ट लुक दे सकती हैं, अपने आप को परफेक्ट लुक दे सकती हैं, किचन में लाजवाब खाना बना सकती हैं या स्किन केयर कर सकती हैं, कुछ भी गृह संगिनी में सब मिलेगा, वो घर हो, कपड़े हो, स्किन केयर हो, या फिर मेकअप हो, कुछ भी हो, आप हर चीज़ का जुगाड़ यहाँ पा सकते हैं। तो ये मेरे बहुत सारे जुगाड़ में से एक जुगाड़ ये भी था जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है, और अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि और कोई ऐसा मेरा जो जुगाड़ रहा हो तो मैं वापस से आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और जुगाड़ के बारे में बताना हो, आपने कुछ जुगाड़ लगाया हो अपने घर में, या फिर मुझसे चाहते हो आप कि मैं इस तरह का जुगाड़ लगाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस जुगाड़ को पूरा कर सकूँ। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।